ओपन टू लर्न अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वर्तीय फलन। इसमें यह होता है साइन थीटा बराबर एक्स। इसमें दो कंडीशन आती है, पहला है एक्स को थीटा का साइन कहते हैं और दूसरी कंडीशन है थीटा को एक्स का साइन इनवर्स कहते हैं। ये हो गया। अब साइन को अपन हिंदी बोलते हैं ज्या ज्या और साइन इनवर्स को ज्या प्रतिलोम। इसी के बाद में एक और आता है साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। जब अपन साइन को इधर इनवर्स में करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। जहां पे साइन इनवर्स एक्स को ज्या व्युत्क्रम या साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं। अब हमने ये पढ़ा था साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन। इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन। अब इसके बाद कुछ दो पॉइंट है उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जो ये फलन में यानी साइन इनवर्स एक्स है जो ये माइनस एक की घात नहीं होती है। इनमें माइनस एक की घात नहीं होती, इनको केवल प्रतिलोम फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक होता है साइन इनवर्स एक्स, एक होता है साइन एक्स का माइनस वन, साइन एक्स की पावर माइनस वन। अब साइन एक्स की पावर माइनस वन को वन अपॉन साइन एक्स लेते हैं जो इसके बराबर नहीं है, तो साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर माइनस वन। ये होता है। दूसरा पॉइंट होता है साइन इनवर्स एक्स और एक साइन थीटा। जो ये साइन इनवर्स एक्स है ये कोण को व्यक्त कर रहा है और ये साइन थीटा है ये एक संख्या को व्यक्त कर रही है। इसी संख्या में थीटा बराबर एक कोण होगा। ये हो गया। अब इसके बाद में अपन प्रांत और परिसर के बारे में जानते हैं। प्रांत क्या होता है परिसर क्या होता है। जैसे एक चतुर्थांश है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये बीच में ओ। अब इसमें प्रांत और परिसर क्या होता है वो जानने के लिए देखते हैं प्रांत और परिसर। जो संख्या एक्स ओ एक्स डैश के बीच में होती है उनको बोलते हैं प्रांत एक्स ओ एक्स डैश और जो संख्या वाई ओ वाई डैश में होती है ग्राफ के अंदर उनको बोलते हैं परिसर वाई ओ वाई डैश। ये होता है प्रांत और परिसर। अब अपन वो जो त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इन तीनों के और उनका अपोजिट है कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा उनके परिसर और प्रांत दोनों को देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे पहला है साइन थीटा, पहले अपन लिख देते हैं प्रांत और फिर परिसर। साइन थीटा का प्रांत क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू आर और प्रांत और परिसर होता है वाई बिलोंग्स टू
माइनस वन और वन, यानी ओनली माइनस वन और वन के बीच में ये पूरा ग्राफ चलेगा। दूसरा होता है कॉस थीटा, इसका प्रांत होता है एक्स बिलोंग्स टू आर और इसका परिसर होता है वाई बिलोंग्स टू माइनस वन और वन। इसका ग्राफ भी माइनस वन और वन के बीच में चलेगा और एक्स यानी एक्स अक्ष में पूरे पे चलेगा। और तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, इसका प्रांत होता है एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस का टू एन प्लस वन पाई बाय टू, यानी इसमें जितने भी पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, यानी यहाँ पे एन होगा एक संख्या यानी पूर्णांक संख्या, जीरो से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है और माइनस एक से माइनस अनंत तक वो होती है जेड। अब इसका परिसर ये तो वाई बिलोंग्स टू आर। फिर होता है, फिर अब आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस का एन फाइव और यहां पे एन क्या है जेड, यानी इसमें एन की जगह अपन कुछ भी रखेंगे जेड से पूर्णांक संख्या से वो घट जाएगा, यानी पाई टू पाई थ्री पाई, माइनस का पाई माइनस का टू पाई और इसमें होगा वाई बिलोंग्स टू आर परिसर में। फिर आता है पांचवा नंबर आता है सेक थीटा, सेक थीटा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस का टू एन प्लस वन और पाई बाय टू, यानी इसमें पूरे आर में से पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फोर पाई बाय, फाइव पाई बाय टू ये घटा देंगे, यानी एन बिलोंग्स टू जेड, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, जैसे जैसे एन की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी और इसका परिसर होगा वाई बिलोंग्स टू आर माइनस वन और वन, यानी वाई बिलोंग्स टू आर में से माइनस वन और वन को हटा देते हैं, यानी माइनस वन और वन के बीच की जो भी वैल्यू हुई वो इसमें परिसर में नहीं आएगी। फिर आता है सिक्स नंबर कोसेक थीटा, इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस का एन पाई और यहाँ पे एन बिलोंग्स टू जेड, यानी इसमें एन पाई घटा देंगे आर में से जो इसका प्रांत होगा और परिसर वाई बिलोंग्स टू आर माइनस वन और वन, यानी माइनस वन और वन के बीच की वैल्यू नहीं आएगी बाकी सारी वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के प्रांत और परिसर। अब इनके क्या होता है प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम फलनों के निकाल लेते हैं, उनका क्या होता है प्रांत और परिसर। पहला है साइन इनवर्स एक्स, इसका प्रांत और परिसर, बस साइन थीटा और साइन इनवर्स एक्स में इतना ही है कि जो साइन थीटा का प्रांत होगा वो साइन इनवर्स एक्स का परिसर होगा। तो साइन थीटा का प्रांत क्या था बिलोंग टू आर और वो वाई में चला जाएगा और ये एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन और वन, ये हो गया। सेम वैसे ही कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का प्रांत होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन और वन और परिसर का वाई बिलोंग्स टू आर। फिर आता है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा x belongs to r और y belongs to r minus 2n plus 1 pi by 2 जहां पे n है z। फिर आता है cot theta, cot inverse x, इसका प्रांत x belongs to r और परिसर होगा y belongs to r minus का n pi जहां पे n है एक जेड पूर्णांक संख्या। फिर आता है sec इनवर्स x, इसमें x बिलोंग्स टू यानी प्रांत x बिलोंग्स टू r माइनस का माइनस वन और वन, यानी r में से
माइनस वन और वन के बीच की वैल्यू हटा देंगे, बाकी इसमें सारा प्रांत हो जाएगा और परिसर होगा वाई बिलोंग्स टू आर माइनस का टू एन प्लस वन पाई बाय टू, जहां पे एन है एक जेड पूर्णांक संख्या। फिर आता है सिक्स नंबर कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें प्रांत होगा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन और वन और परिसर होगा वाई बिलोंग्स टू आर माइनस का एन पाई, जहां पे एन होगा जेड। ये हुए इनके साइन थीटा और साइन इनवर्स एक्स के प्रांत और परिसर समझ चुके हैं। अब इनके ग्राफ भी देख लेते हैं। पहला देखते हैं साइन थीटा का ग्राफ। तो साइन थीटा में प्रांत क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर प्रांत और परिसर होगा वाई बिलोंग्स टू माइनस वन और वन। अब इसी के हिसाब से अपन एक ग्राफ बना लेते हैं। ये x x डे y डे, ये मूल बिंदु जीरो, x बिलोंग्स टू r है और y बिलोंग्स टू ओनली वन है, तो यहाँ पे वन और ये माइनस वन, यानी वन और माइनस वन के बीच में इसका परिसर होगा, तो ये ग्राफ इसी के बीच में होगा और प्रांत है पूरा r, तो अपन लिख सकते हैं पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू, यहाँ पे माइनस का पाई बाय टू माइनस का पाई माइनस का थ्री पाई बाय टू। तो ये ग्राफ है, तो पहला अपन ये होता है इसका ग्राफ, जो देखो माइनस वन और वन के बीच में चल रहा है और प्रांत है पूरा आर चल रहा है, यानी पूरा चल रहा है, ये चल रहा है इसका ग्राफ, यानी जो अपर है वो आएगा पाई बाय टू और जो लोअर है वो पाई पे आगे वापस थ्री पाई बाय टू से नीचे जाएगा, तो ये आ गया माइनस वन और वन के बीच में इसका ग्राफ चल रहा है। अब देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का, दूसरा है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स में प्रांत और परिसर ये चेंज हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन और वन और परिसर हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू आर, ग्राफ सेम होगा बस प्रांत और परिसर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ये जीरो, तो प्रांत क्या है एक्स माइनस वन और वन, तो माइनस वन और वन, तो ये तो हो गया प्रांत, यानी प्रांत ग्राफ वन और माइनस वन के बीच में होगा। फिर यहां पे पाई बाय टू पाई, फिर यहां पे माइनस का पाई बाय टू और फिर माइनस का पाई, ये हो गया, तो इसमें ग्राफ आएगा ये। ये हो गया इसका। अब देखते हैं कोस दूसरा आता है कोस थीटा। कोस थीटा का प्रांत क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू आर और वाई बिलोंग्स टू माइनस वन और वन, बस कोस थीटा में एक है कि कोस जीरो जीरो नहीं होता है, तो इसका ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा। एक्स एक्स डेट
y, y dash और ये जीरो। तो यहाँ पे प्रांत क्या है, पूरा x और x एक्स और परिसर क्या है वन और माइनस वन। तो ये हो गया पाई बाय टू पाई माइनस पाई बाय टू माइनस का पाई, ये होता है। तो यहाँ पे कोस जीरो बराबर वन होता है, तो कोस जीरो की वैल्यू अपन वन ले लेते हैं इसके हिसाब से, ये हो गए। फिर ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, ये ग्राफ है कोस एक्स का। वैसे ही अपन साइन एक्स कोस इनवर्स एक्स का देखते हैं, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर चेंज हो जाएगा, तो इसका प्रांत हो जाएगा एक्स माइनस वन और वन, और परिसर हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका वही एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया इसका मूल बिंदु। तो इसका प्रांत क्या है एक्स माइनस वन और वन, तो यहां पे वन और यहां पे माइनस वन, फिर यहां पे पाई बाय टू पाई माइनस पाई बाय टू और माइनस का पाई, तो ये हो गया। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कोस जीरो जीरो नहीं होता, तो कोस ये हो गया। फिर ये यहां पे आगे बढ़ेगा ऐसे, और ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ये हो गया कोस इनवर्स एक्स का। अब वैसे ही अपन टेन का आते हैं, टेन का ग्राफ थोड़ा सा अलग है, तीन नंबर टेन थीटा। तो टेन थीटा का प्रांत क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस का टू एन प्लस वन पाई बाय टू, यानी पाई बाय टू की सारी हट जाएगी, बाकी सारा और परिसर हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये इसका ग्राफ देख लेते हैं, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब यहां पे प्रांत क्या है, एक्स बिल आर होगा और ये भी केवल पाई बाय टू नहीं होगा, तो यहां पे पाई बाय टू ये पाई, फिर ये थ्री पाई बाय टू, यहां पे माइनस का पाई बाय टू माइनस का पाई माइनस का थ्री पाई। अब क्या देगा पाई बाय टू, तो पाई बाय टू के सीध में अपन एक डॉट 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 लाइन लिख लेते हैं, जिससे ग्राफ इजीली बन जाएगा, पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू, यहां पे भी ऐसे पाई बाय टू फिर थ्री पाई बाय टू, ये हो गया मूल बिंदु। तो टेन जीरो क्या होता है, टेन जीरो बराबर क्या होता है, साइन जीरो अपॉन कोस जीरो। तो साइन जीरो जीरो और कोस जीरो वन, जीरो में किसी का भाग देते हैं तो जीरो आता है, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। तो इसका ग्राफ पाई बाय टू पे टच नहीं होगा, बाकी अनंत तक जाएगा, यानी आर। तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा और इसका नीचे ऐसे, यानी टच नहीं होगा, बस अनंत तक चल जाता रहेगा। वैसे ही फिर पाई पाई से भी ऐसे ही और नीचे माइनस की तरफ भी ऐसे, फिर इधर ये टच नहीं होगा पाई माइनस पाई बाय टू पे, और इधर माइनस थ्री पाई बाय टू पे भी टच नहीं होगा। तो ये इसका टेन थीटा का ग्राफ। अब वैसे ही अपन टेन इनवर्स एक्स, इसका प्रांत होगा एक्स बिलोंग्स टू आर और वाई बिलोंग्स टू आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये ग्राफ को अगर ऐसे मोड़ ले, तो यहां पर एक्स एक्स डैश आ जाएगा, वाई वाई डैश आ जाएगा, बस अपने को ये जो वाई और वाई डैश है इधर रखना, बस इसको ग्राफ को ऐसे घुमाना। तो बना के देख लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश
और ये जीरो। अब यहाँ पे प्रांत क्या है, पूरा आर है, तो आर की तरफ जाएगा पूरी लाइन, और परिसर क्या है, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू, तो यहाँ पे पाई बाय टू, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे थ्री पाई बाय टू, यहाँ पे भी माइनस का पाई बाय टू, माइनस का पाई, माइनस का थ्री पाई बाय टू। वैसे अपन पाई बाय टू पे डॉट 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 लाइन ले लेते हैं, पाई बाय टू, यहाँ पे थ्री पाई बाय टू, फिर नीचे माइनस पाई बाय टू, यहाँ पे माइनस थ्री पाई बाय टू, ये हो गया। अब टेन जीरो जीरो होता है, उसके बाद प्लस की तरफ जाता है, तो ये हो गया ग्राफ, यानी अनंत तक जाएगा लाइन, पाई बाय टू पे टच नहीं होगा, ये भी इधर ही जाएगा, फिर आगे ये से जाएगा और नीचे इधर की तरफ जाएगा, फिर माइनस पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू के बीच में भी ऐसे ही जाएगा, अनंत तक चला जाएगा लेकिन पाई बाय टू पे टच नहीं होगा माइनस पाई बाय टू पे, और ये भी अनंत तक चला जाएगा माइनस थ्री पाई बाय टू पे टच नहीं होगा। ये हो गया टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब देखते हैं कोट का, चार नंबर है कोट थीटा, कोट थीटा का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस का n पाई, जहां पर n है बिलोंग्स टू z, और परिसर क्या है, y बिलोंग्स टू r, वही अपन इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, x x डैश y y डैश, यहां पे ये मूल बिंदु है, तो x बिलोंग्स टू आर माइनस का एन पाई है, तो यहां पे पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू टू पाई, यहां पे माइनस का पाई बाय टू, माइनस का पाई, माइनस का थ्री पाई बाय टू, माइनस का टू पाई, और ये पूरा आर की तरफ जाएगा, तो यहां पे वन टू थ्री अनंत जाएगा, या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया एन पाई, यानी पाई की जो संख्या वहां पे टच नहीं होगी, यानी पाई की जितनी भी संख्या पाई टू पाई थ्री पाई माइनस में वो सब नहीं आएगी, तो पाई पे अपन एक डॉट डॉट लाइन ले लेते हैं, ये पाई ये टू पाई, यहाँ पे माइनस का पाई और माइनस का टू पाई। अब कोट कोट जीरो जीरो होता है क्या, कोट जीरो कोस जीरो अपॉन साइन जीरो, कोस जीरो वन और जीरो, जीरो का भाग किसी में देते हैं, यानी एक का भाग जीरो में दे रहे हैं, तो जीरो नहीं आएगा, ये आएगा अनंत, तो इसको अनंत तक बढ़ाना है, तो यानी ये जीरो होगा नहीं, तो अनंत तक आएगा, तो इसको ये आ जाएगा अनंत तक जाएगा, और ये इसका ये भी अनंत तक जाएगा, वैसे ये अनंत तक ये जाएगा, और ये इसके अनंत तक जाएगा, यानी पाई की जो भी संख्या वो टच नहीं होगी, वैसे इसका देख लेते हैं, ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत और ये भी अनंत, क्या क्या छूट गए, माइनस टू पाई माइनस पाई और पाई और टू पाई, और जीरो इसमें आएगा नहीं, जीरो जीरो पर टच नहीं होगा। अब इसका भी उल्टा कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स एक्स इसका प्रांत क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर और इसका परिसर वाई बिलोंग्स टू आर माइनस का एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू जेड, वैसे ही ये यहां पे ये हो गया चतुर्थांश, ये x x डैश y y डैश, ये जीरो। अब इसमें प्रांत क्या दे रहेगा, x, यानी x पे पूरे पे जाएगा अनंत तक, और परिसर
एन पाई, एन पाई नहीं आएगा, तो यहाँ पे पाई बाय टू, पाई थ्री, पाई बाय टू, और यहाँ पे माइनस का पाई बाय टू, माइनस का पाई, और माइनस का थ्री पाई बाय टू, ये हो गए। अब इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर है और कोट इनवर्स एक्स है, तो इसका पूरा देख लेते हैं, यानी पाई नहीं आ रहा, तो पाई पे काई है, आज काई है, बचो पांच मिनट अभी जय बने। ये हो गया। अब इसमें क्या है, पाई नहीं है, तो पाई को अपन डॉट डॉट ले लेते हैं, तो पाई डॉट डॉट ले लिए और ये माइनस का पाई। वैसे ही फिर कोट इनवर्स एक्स, तो जीरो आएगा नहीं, तो जीरो पे अनंत की तरफ जाएगा और ये अनंत की तरफ जाएगा, तो ये भी अनंत की तरफ जाएगा और ये भी अनंत की तरफ जाएगा। ये जा रहा, फिर ये भी इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ये हो गया कोट इनवर्स एक्स का। अब वैसे अपन सेक का देखते हैं, पांच नंबर है सेक थीटा। सेक थीटा का प्रांत क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस का टू एन प्लस वन पाई बाय टू, और वाई बिलोंग्स टू आर माइनस वन और वन, यानी माइनस वन और वन के बीच की संख्या नहीं आएगी, बाकी पूरा आ जाएगा, तो इसका भी देख लेते हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जीरो। अब प्रांत क्या आ रहा है, टू एन प्लस वन पाई बाय टू को हटा के बाकी सारा, तो लिख लेते हैं पाई बाय टू, पाई थ्री पाई बाय टू, माइनस का पाई बाय टू, माइनस का पाई, माइनस का थ्री पाई बाय टू, और वाई बिलोंग्स टू आर लेकिन माइनस वन वन के बीच की संख्या नहीं आएगी, तो वन और माइनस वन इसके बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, बाकी पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो क्या क्या छूट रहा है, माइनस पाई बाय टू, यानी अब पाई बाय टू के देख लेते हैं, तो पाई बाय टू ये रहा, थ्री पाई बाय टू यहां पे डॉट डॉट ले लिए, फिर यहां पे ये पाई बाय टू, यहां पे ये थ्री पाई बाय हो गया। अब क्या बताया है कि माइनस वन और वन के बीच की संख्या नहीं आएगी, बाकी पूरी आएगी, तो इसके ऊपर तक अनंत तक जाएगा, ये अनंत गया और ये अनंत। इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन और वन, और परिसर क्या गया, वाई बिलोंग्स टू आर माइनस का टू एन प्लस वन का पाई बाय टू, ये हो गया इसका प्रांत और परिसर। इसी के हिसाब से अपन ग्राफ बना सकते हैं इसका, तो इसका ग्राफ ये हो गया एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये जीरो। तो यहां पे प्रांत क्या है, आर में से माइनस वन और वन चला गया, तो ये वन और ये माइनस का वन, और परिसर क्या है, पाई बाय टू, जितनी भी संख्या बढ़ जाएगी, तो ये पाई बाय टू और ये पाई, तो ये माइनस पाई बाय टू, ये माइनस का पाई, तो ये माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू जो भी है वो संख्या डॉट डॉट कर लिए। अब माइनस वन और वन के बीच की संख्या नहीं आ रही, तो जो ये है इसको ऊपर ले लिया, यहां पर ये यहां पर इधर ऐसे ग्राफ बन रहा है, और ये यहां पर और ये यहां पर ऐसा ग्राफ बन रहा है इसका। जब आगे आएंगे तो ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चलेगा, और यहां पर ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, इसका ऐसे ग्राफ चलता रहेगा अनंत तक। ये हो गए। अब आगे देखते हैं अपन कोसेक, सिक्स नंबर है, तो इसमें प्रांत हो जाएगा माइनस और वन को घटा दे, और इसमें ये हो जाएगा माइनस का एन पाई, तो वही इसका ग्राफ एक्स एक्स डे वाई वाई डे, तो ये जीरो। तो प्रांत क्या है,
वन और माइनस वन के बीच की संख्या नहीं आएगी, बाकी सारी आएगी। फिर यहाँ पे फाइव बाई टू और ये फाइव, ये माइनस का फाइव बाई टू और माइनस का फाइव। तो पाई की संख्या जितनी भी वो आएगी नहीं, तो ये डॉट 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 ले लिया। अब ग्राफ बढ़ाना है, तो ग्राफ x बिलोंग टू आर माइनस वन, वन के बीच की नहीं, तो ये यहाँ पे ऐसे ग्राफ बढ़ेगा, ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा इसका। और इधर यहाँ पे मान लिया थ्री पाई बाय टू माइनस का और ये थ्री पाई बाय टू, तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा ग्राफ माइनस वन और वन, ये यहाँ पे ऐसे और ये यहाँ पे ऐसे, ये ग्राफ ऐसा आएगा। फिर ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये यहाँ पे ये इसका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ।